हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुर्दे को हेल्दी रखने के टिप्स के बारे में। गुर्दे की बीमारी को रोकने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। जब तक कि आपकी किडनी बीमार नहीं है तब तक आप इंतज़ार क्यों करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं और एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने गुर्दे को हेल्दी रखने के लिए आप बहुत सारा पानी पिए, यह आपकी किडनी को हेल्दी रखने का सबसे आम और सरल तरीका है। भरपूर पानी ख़ास तौर से गर्मी के दिनों में हमारे गुर्दे को हेल्दी रखने में मदद करता है। इससे जिस्म में मौजूद सोडियम, यूरिया और टॉक्सिक मेटल को साफ करने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ आप कम सोडियम यानी कम नमक वाली डाइट लें। अपने खाने में सोडियम का नमक का इस्तेमाल कम करें। इसका मतलब है कि आप पैक फूड और रेस्टोरेंट वाले खाने से भी परहेज करें। इसके अलावा अपने खाने में एक्स्ट्रा नमक ना डालें। कम नमक वाली डाइट आपके गुर्दे को कम लोड देती है, उससे आपको हाई ब्लड प्रेशर और उससे रिलेटेड बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। वहीं किडनी को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप ओबेसिटी को दूर रखें, अपने जिस्म का एक सही वज़न बरकरार रखें। हेल्दी खाना और अपने वज़न को कंट्रोल रखने से आपकी गुर्दियों के अंदर की मौजूद वेंस के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं होता है और आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का स्तर मेंटेन रहता है। इसके लिए अपने डाइट में कम चर्बी वाली कम तली हुई खाने की चीज़ों को इस्तेमाल करें और रोज़ाना ढेर सारे फल और सब्जियों पर जोर दें। अगर किसी का वज़न बढ़ने पर गुर्दे पे वज़न भी बढ़ सकता है, ख़ास तौर से भारतीय एंगल से अगर देखें तो 24 या उससे कम के BMI के लिए ये टारगेट हासिल करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखें। डायबिटीज़ के मरीज़ को गुर्दे की खराबी की बीमारी होने की बहुत आम समस्या है। अगर आपको इसका जल्दी पता चल जाए तो आप इसे रोक सकते हैं। इसलिए आप अपनी डाइट में ब्लड शुगर को मेंटेन करने वाली चीज़ें और मीठे का इस्तेमाल कम करें। किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप अपने ब्लड प्रेशर की रेगुलर जांच करें, उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपने डॉक्टर्स के हिसाब से एंटी हाइपरटेंसिव टैबलेट लेते रहें और हेल्दी ज़िंदगी जिए। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से गुर्दे में कई गड़बड़ियाँ होना, स्ट्रोक या दिल की बीमारी होने का खतरा हो सकता है। वहीं किडनी का फंक्शन साल में एक बार यानी किडनी फंक्शन टेस्ट साल में एक बार ज़रूर कराएं। अगर आप डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या मोटापे से परेशान हैं और आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट, रीनल इमेजिंग और रीनल यूरिन टेस्ट ज़रूर कराते रहें साल में एक बार। डायबिटीज़ से परेशान मरीज़ों को इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा है। वहीं अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप सिगरेट पीना छोड़ दें अगर आप सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीना गुर्दे के मरीज़ों के लिए बहुत रिस्क फैक्टर होता है। यहाँ तक कि एक सिगरेट पीने से हमारे किडनी को कई नुकसान पहुँचता है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के लिए सिगरेट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए किसी को भी धूम्रपान तुरंत बंद कर देना चाहिए, जो न सिर्फ गुर्दे की सेहत के लिए बल्कि दूसरी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। वहीं रोज़ाना या हफ्ते में 7 दिनों में से 6 दिन कम से कम जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या रैकेट जैसे खेल ज़रूर खेलें। लगभग हर दिन 45 मिनट तक का इसका एक शेड्यूल बना लें। इस तरीके की हल्की फुल्की कसरत करते रहें जिससे आप हेल्दी बने रहें। वहीं इस भाग बड़ी ज़िंदगी में अपने लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लें। दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा टहलें, सुबह और शाम एक्सरसाइज करें। एक दिन में कम से कम रात की 8 घंटे की सुकून वाली नींद लें। स्वस्थ रहने के लिए रात को अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।